हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीटेक और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है यूएसबी टाइप्स। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने लगभग फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को चलाए होंगे। तो दोस्तों आपने उसमें डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स देखे होंगे। तो दोस्तों इसमें से एक पोर्ट आता है यूएसबी टाइप ए। तो दोस्तों बेसिकली ये पोर्ट कनेक्शन के काम आता है। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड में जो एंड में वायर होती है उसमें एक पोर्ट लगा होता है जो कि सीपीयू के साथ जुड़ता है। तो दोस्तों उस पोर्ट को यूएसबी टाइप ए पोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंट माउस माउस और कीबोर्ड में बेसिकली देखने को मिलता है, और जो हमारा चार्जर होता है तो उसमें भी ये पोर्ट देखने को मिलता है उसकी बैक साइड पे, जहाँ से कि हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों दूसरी जो चीज़ आती है वो है टाइप बी। तो दोस्तों जो टाइप बी पोर्ट है वो पोर्ट प्रिंटर्स में काफ़ी हद तक काम आते हैं, सभी प्रिंटर्स में वो काम आते हैं। तो दोस्तों जो उसकी टेल में जो होता है पोर्ट उसे कहते हैं यूएसबी टाइप बी, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। और दोस्तों जो टाइप सी है वो हम कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, आजकल लैपटॉप सभी लैपटॉप्स में वो देखने को मिलता है, और लगभग 80% फोन्स में मिलता है देखने को यूएसबी टाइप सी। जो अभी भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिन्होंने की जो यूएसबी माइक्रो यूएसबी है उस पर जोर दिया है। जो दोस्तों माइक्रो यूएसबी है वो माइक्रो वर्जन है टाइप ए और टाइप बी का। तो दोस्तों जो टाइप ए और टाइप बी का जो मतलब कि माइक्रो वर्जन है वो लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ, जो कि हम आजकल फोन्स में यूज़ करते हैं, खासकर बजट फोन्स में और फ्लैगशिप फोन्स में 50% तक पहुंच गया है, जो कि पहले काफ़ी हद तक था। और अब अगला आता है पॉइंट, जो अगला पॉइंट आता है वो है 1.0, 2.0 और 3.0 का। तो दोस्तों जो 1.0 है उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 12 Mbps, मतलब कि 12 मेगा बिट पर सेकेंड। और दोस्तों जो 2.0 है उसकी स्पीड थी 480 Mbps, मतलब कि 480 Mbps। और जो 3.0 है उसकी स्पीड है 5.0 Gbps। और जो दोस्तों उसका अपग्रेड वर्जन है वो है 3.1, जिसकी स्पीड है 10 Gbps। सो दोस्तों जो इसकी स्पीड है इसमें भी काफ़ी मतलब कि चीज़ें आती है, जैसे कि जो यूएसबी टाइप टू है, जो यूएसबी 2.0 है उसमें 4 पिन्स आती है, जो यूएसबी 2.0 में जो माइक्रो वर्जन आता है उसमें 5 पिन आती है, और जो दोस्तों USB 3 आती है उसमें 9 पिन आती है। दोस्तों इसमें एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा USB टाइप सी है उसमें हम 9 पिन का यूज़ करते हैं, और जो इसकी स्पीड है तो दोस्तों मैंने बहुत डिस्कस ही की थी कि वो 10 Gbps तक जा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्पीड है। तो दोस्तों जो यूएसबी टाइप सी में हम 2.0 का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि 1+2 में, आई थिंक 1+2 या 1+3 में यूज़ किया था। तो दोस्तों उसकी स्पीड मतलब कि घट जाएगी अगर हम यूएसबी टाइप 3 का प्रयोग यूज़ करें उसमें, यूएसबी टाइप सी में, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम मतलब कि 10 Gbps तक जा सकती है। तो दोस्तों अब बात आती है एक चीज़ कि यूएसबी टाइप सी क्या फ्यूचर बन सकता है। तो दोस्तों हाँ ये फ्यूचर है, मतलब कि इसमें हर एक चीज़ का मतलब कि यूज़ है, जैसे कि इसकी स्पीड भी अच्छी है, ये हर एक जो भी गैजेट है उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर और माउस, सॉरी फोन्स में ये बहुत ही अच्छे ढंग से यूज़ हो सकता है, और इसकी स्पीड वगैरह सारी अच्छी है। तो दोस्तों ये रिवर्सिबल भी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये माइक्रोवेव में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी मतलब कि अपना स्पेशली मतलब कि
जैसे कि आईफोन का है लाइटनिंग केबल, तो वो लाइटनिंग केबल का यूज़ क्यों करती है? तो दोस्तों लाइटनिंग केबल बहुत ही अच्छी केबल है, उसकी स्पीड भी अच्छी है। तो दोस्तों जो ये है लाइटनिंग केबल, यह सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल की खुद की है, ये मतलब कि कोई यूनिट वाइज नहीं किया गया है जैसे कि टाइप सी वगैरह। तो दोस्तों ताकि वो मार्केट में अपनी ज़्यादा पकड़ रख सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो टाइप सी है उसमें से भी जो आईफोन है अपनी बहुत बड़ी अर्निंग गेट करता है, इसलिए ही वो टाइप सी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।